नमो बुद्धाय। नमो अशोकाय। जय भीम साथियों, मेडिटेशन मुझिक्स, रिलैक्सिंग मुझिक्स, स्लिप मुझिक्स, एंजाइटी, माइंडफुल मेडिटेशन, जैन मुझिक्स, दोस्तों गुड डे। फादर हाउस, फादर होम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर दिन सवेरे उठकर आप हर सुबह सुंदर म्यूजिक के साथ में आपका मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका हार्दिक स्वागत। फादर हाउस के सुंदर वातावरण के साथ में हर दिन बच्चों को 5 मिनट का मेडिटेशन दिया जाएगा, जिससे उनकी दिमाग की कैपेसिटी आगे बढ़े। और हमारे फादर हाउस में जापान के सिस्टम के साथ में हमें आज भारत की संस्कृति जापान से सीखनी पड़ रही है। तो चलो दोस्तों, हम जापान के प्रगति के साथ में आप लोगों को धम्म सकाल की शुरुआत करते हैं। नमो बुद्धा। ऐकना अजिंक्य, गुजरातच्या प्रताप भाईने जंगली रम्मीवर खेळून 1 कोटी
जस्ट पुट ऑन योर हेड। स्वस्थ शरीर के लिए हर दिन ये करें। नमो बुद्धाय। दो भोजनों के बीच 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। अच्छी नींद, जीवन में अच्छी नींद, पर यह अभी संभव नहीं है। अभी क्यों, शरीर में तो कम नींद कम से कम हो, बाकी शरीर आराम से रहे। हल्के से गर्म पानी में शहद मिलाकर ऐसा दररोज करें, आप पाएंगे धीरे धीरे खून में आरबीसी बढ़ जाएंगे। ये 3 चीजें रोजाना करें एक स्वस्थ जीवन के लिए। भोजन का सही तरीका, अगर भोजन की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान करना चाहिए। किसी दिन आपको भोजन खाते हैं, आप जो भी खाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए वो भोजन कितना जल्दी पचकर आपका हिस्सा बन जाए। कोई भी भोजन ना करें, 3 घंटे से ज़्यादा शरीर में रहता है, आप ये भोजन वो छोड़ दें या कम से कम खाए। अगर भोजन 3 घंटे में पेट से आंतों तक पहुंचता है, यानी आपको ऐसा खा रहे जिसका आपका सिस्टम अच्छा पचा रहा है, शायद वो अच्छा भोजन ना हो लेकिन सिस्टम अच्छा पचा रहा है। 2 भोजनों के बीच अगर आप 5-6 घंटे की दूरी बना रखते हैं और बीच में कुछ भी नहीं खाया जाए, तो आप पाएंगे कोशिकाओं और सेल के स्तर पर सिस्टम में सफाई होगी। सेलुलर ये सफाई सबसे जरूरी और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भोजनों के बीच कम से कम 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो दिन से 2 बार अच्छे से भोजन करना काफ़ी होगा, एक सुबह का भोजन और एक शाम का भोजन। शाम के भोजन के बाद 3 घंटे रुककर सोना चाहिए और कुछ शारीरिक काम होना चाहिए। जरूरी नहीं है बहुत भारी या जोरदार गतिविधि हो, सिर्फ थोड़ी एक थोड़ा सा डांस अपने लिए ऐसा कुछ करें, ताकि शाम के भोजन के बाद 20 से 30 मिनट शारीरिक काम हो। ऐसा करने से आपका सिस्टम काफ़ी स्वस्थ होगा। टिप नंबर 2, हल्के गर्म पानी का शहद। एनीमिया होना, खून में लोहा खो दिया है,
यानी अपनी ताकत खो दी है, शरीर की ताकत चली गई, अब थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह से थकावट होगी, क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता। आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है, तो आप खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शरीर की खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, उनके शरीर की प्रतिक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन कमी हो सकती है, जिससे खून में ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा, बेवजह वो थक जाएगी। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। तो इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोजाना हर के गर्म समय में शहद मिलाइए, इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ऊर्जा महसूस होगी, सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कल्प होगा, मृत कोशिका जगेगी, नई कोशिकाएं पैदा होगी, जो जड़ता आप अपने शरीर को मन में महसूस करते हो वो बहुत कम होने लगेगी। क्या शहद को गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं? हाँ, जरूर पी सकते हैं। शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, असर गर्म पानी से पीने से असर अलग होता है। हम यहाँ से हल्के गर्म पानी से पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। इफ इट पुट इन द बॉइलिंग वाटर सम पार्ट ऑफ द हनी विच द पॉइजन, उबलते पानी में शहद डालने से कुछ हिस्सा जहरीला हो जाता है, तो कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए, इसे नहीं पकाना चाहिए। पच्ची में लोग शहद में केक बनाते हैं, उसे पकाते हैं, एक तापमान को पार जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है। आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए जो पीने लायक हो, इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलते गर्म पानी में उसको ना डालें। टिप नंबर 3, देखिए, नींद अपने आप जीवन की जरूरत नहीं है, शरीर को नींद आराम चाहिए। नींद आराम का एक रूप है। कई लोग ऐसा सोचने लगे हैं, तमिलनाडु में कोई कहे ये सो रहे हैं, बैठकर भी आराम हो सकता है, खड़े होकर भी आराम हो सकता है, दौड़ते दौड़ते खड़े होने पर भी आराम मिलता है, आप खड़े थे आप बैठ जाए तभी आराम मिलता है। आराम करने के कई तरीके हैं, सबसे जरूरी बात यह है, आराम यानी आप ऊर्जा का एक क्वेश्चन बदल रहे हैं, यानी ऊर्जा का खर्च हो रहा है लेकिन उसकी पैदावार उसी तेजी से बढ़ेगी, तो कुछ समय बाद ताजगी महसूस होती है, क्योंकि ऊर्जा कम खर्च होती है। मूल रूप से आप ऊर्जा को मैनेज कर रहे हैं, काम करते समय ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है, पैदावार जितनी भी हो वो काफ़ी नहीं होती, कुछ समय पर आप थक जाएंगे क्योंकि भारी खपत हुई है। खर्चा कम करके पैदावार ज़्यादा बढ़ाई जाए तो कुछ समय में ऊर्जा ज़्यादा महसूस होती है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जीवन में नींद ना हो, पर अब ये संभव नहीं है, शरीर में कुछ जड़ता है, कम से कम नींद ठीक है, बाकी समय शरीर को आराम है। अगर शरीर आराम करे तो नींद तब तक नहीं आती जब तक शरीर एक तक थक ना जाए, तो शरीर कभी भी नींद नहीं मांगता, पर आराम जरूर नींद मांगता है। अगर आपको
या आराम से बैठना नहीं आता तो कोई ढुलकी मार के आराम करता है। अगर आप आराम से बैठकर जाए तो ये बिना सोए घंटों बैठेगा, वरना शरीर को नींद नहीं आराम मिलेगा। अभी आप बैठे बैठे आप सरल काम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर जाए, बस अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर पैर के उंगली तक ले जाए और देखे कि सब तक ढीला और आराम से है या ऐसे बैठे। तो दोस्तों आप जितना हो सके, आप हर चीज़ को सचेत नहीं हैं पर होशपूर्वक आप सहज बना सकते हैं। आप अचानक देखेंगे आप जद्द से सोते हैं और आप एक घंटे आराम से बैठते हैं तो आपकी नींद आधे घंटे आगे बढ़ जाएगी। 10 बजे नींद नहीं आएगी, आप खुद ही जागते रहेंगे। दोस्तों हमें बहुत सारी बातें बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, करना चाहिए। साथियों हर बातों का अभ्यास के साथ में मैं डॉक्टर फुलेकर आपके साथ में हूँ और आपके साथ में आज सोने के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू अच्छे से जागने की टिप्स, अच्छे से जागने की टिप्स। इफ यू वांट टू वॉच विद द सब चीज, पहली टिप। तो दोस्तों तो आप जैसे धनियों में जाते हैं वो कई रूपों में आपके दिन की प्रकृति आपके जीवन का भविष्य तय करती है। एक अलार्म से जीने का जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा होगा अगर आपकी नींद, जिस तरह का भोजन आप करते हैं, जिस तरह की विचार और भावनाएं आप अंदर रखते हैं और अपने शरीर में जीवन का जो स्तर है उसे तय होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। मान लीजिए आपको 8 या 12 घंटे की नींद की जरूरत है। मैंने गलत संख्या बोल दी, आपको जितनी नींद चाहिए आप अपनी जरूरत जानते हैं। यू गेट टू बेड अर्ली तो पर्याप्त में जल्दी सोने चले जाए आप अपने आप पे जाग सके। यह पर्याप्त जल्दी कैसे सोया जाए, यह पर्याप्त जल्दी कैसे सोया जाए, काफ़ी लोगों को रात को जल्दी नींद नहीं आती। तो रात को सोने के पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से सोने के लिए टिप्स, अगर आप मांस और भोजन करते हैं तो सोने के कम 3 से 4 घंटे पहले खाएं ताकि पाचन पूरा हो। सोने के पहले पानी पीकर सोना चाहिए, आप देखेंगे इसी से वो ठीक हो जाएगा। एक आसान चीज की टिप मैं बता सकता हूँ, वो स्नान। हमेशा सोने के पहले नहाएं, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इस मौसम में ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है तो आप गुनगुने पानी से नहाएं, रात से गर्म पानी से नहाएं, गुनगुना पानी ले, ये आपको सजग बनाता है। आप सोचेंगे मैं सो नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं होती, आप 15 मिनट आधे घंटे में सोएंगे मगर नींद बेहतर आएगी क्योंकि इससे कुछ चीज़ें हट जाएगी। जब आप नहाते हैं तब सिर्फ त्वचा की गंदगी नहीं हटती, क्या आपने देखा है जब आप बहुत तनाव और चिंता में होते हैं तब सिर्फ नहाने से ऐसा लगता है मानो बोझ लगभग उतर गया हो, क्या आप ये नहीं देखा? तो ये सिर्फ त्वचा की सफाई नहीं है, पानी के शरीर पर गिरने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्नान एक बहुत बुनियादी शुद्ध बुद्धि है। आपका शरीर
70% से अधिक पानी है, आप उस पर पानी गिराए, एक तरफ से शुद्धिकरण होगा जो त्वचा की सफाई से परे है। एक और चीज आप करना चाहे, आप एक जैविक तिलक का दीवा जला, रुई के पाती और कोई भी तेल, यहाँ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? साधारण खाने का तेल, लिंसिड ऑयल, रेपजी बीन ऑयल और तिल का तेल, आपके पास क्या है? ओले ऑयल, चलो ठीक है। रुई की बातें के साथ कोई भी जैविक तेल लेकर, आप छोटा सा दीवा लेकर आप जला लें जहाँ आप सोते हैं, आप देखेंगे ये चीज़ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अगर आप कोई मंत्र जप सके, सोने के पहले कोई अभ्यास कर सके तो बिस्तर बैठकर ही कर सके। आप सक्रिय करना चाहते हैं तो नेट पर उपलब्ध हैं। तो साथियों, दूसरी टिप्स, अच्छे से जागने की टिप्स। शारीरिक रूप से आपका एक महत्वपूर्ण पहलू है आपका हृदय, जो आपके रक्त संचार के लिए पंपिंग स्टेशन है, जो शरीर में जीवन भरता है। ये ना हो कुछ नहीं होगा। भारत में आपसे कहा जाता है आप जब जागे तो दाहिनी तरफ करवट लेकर उठना चाहिए। पता है, आप बाई तरफ करवट लेकर उठेंगे आपके साथ खराब चीज़ें होगी। खराब चीज़ें उस तरफ नहीं है जब आप आराम के स्थिति में होते हैं। जब शरीर आराम में होता है तो मेटाबॉलिक क्रिया धीमी होती है, जब आप उठते हैं सक्रियता में कुछ उछाल आता है। इसलिए भारत में कहा जाता है, देखिए ये जीवन का हिस्सा थी, इसे छोड़ रहे हैं। जीवन का पूरा विज्ञान जीवन का हिस्सा था। आपको कहा गया कि सुबह उठकर आपके हथेली आपस में रगड़ना चाहिए, देखना चाहिए, नॉट सी द फेस पॉइंट, नॉट हार्ट, देखना चाहिए, आपको आंखों में रखना चाहिए, आपको भगवान दिखेंगे। ये भगवान देखने के बारे में नहीं है, आप इन दोनों को साथ में रगड़ेंगे तभी इन हाथों को, सिरे आपके हाथों में ढेर सारी नसों के तीरे होते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं शरीर तुरंत जाग जाता है। अगर आप नींद आ रही है तो ऐसा करके देखे कि आँखों में हाथ रखे तो सुबह शरीर को हिलाने के पहले आप उसे जगाइए और फिर इसे आँखों से रखिए। तुरंत आपकी आँखें आपकी इंद्रियों के दूसरे पहलुओं से जुड़ी से जागरूक हो जाएगी। शरीर के हिलने से पहले शरीर का दिमाग को जागरूक होना चाहिए, इसके पे यही मकसद है, समझे? तो आप ऐसा कीजिए और अपने दाई और करवट लेकर उठिए। तीसरी टिप्स, आज अगर हम सब सोते हैं तो दुनिया में कल सुबह लगभग 2.5 लाख लोग नहीं जाएंगे। प्राकृतिक मृत्यु के कारण, मान लीजिए आप कल सुबह जागे, आपकी गारंटी है कि आप गारंटी कार्ड के साथ में आए? कोई गारंटी का कार्ड नहीं, तो मान लीजिए आप जाग सकते हैं। बस इतना कीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सरल पहला कदम है। कल सुबह आप सब जागेंगे तब जाचिए। बाकी आप जगे हैं कि मर गए हैं? अगर आप जगे हैं तो एक छोटा सा जश्न तो बनता है। आपको उठ पर नाचने की जरूरत नहीं, कम कर आप मुस्कुरा सकते हैं। अभी हम जीवित हैं, 2.5 लाख लोग मरते हैं, वो आपकी और मेरी तरह थे, वो उड़ गए ना कहीं, देखिए वो नहीं मिट गए, यहाँ अभी मैं जीवित हूँ। ये बड़ी मुस्कुराहट के साथ में आप देंगे, मैं मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। अगर 2.5 लाख लोग मरते हैं तो कम से कम 30 से 50 लोग अपना प्रियजन खो दिया है। आप उन 3-4 लोगों को देखिए जो आपके लिए मायने रखते हैं, जो आप सभी लिए जिंदा है, एक और बड़ी मुस्कुराहट देंगे या नहीं, देंगे या नहीं? अगर मान लीजिए अगर हम सर पर बंदूक रखते हैं, क्या प्राप्त महसूस करेंगे, दरात महसूस करेंगे? नहीं, आप डर जाएंगे। आप जीवित होना कितना कीमती है, आपका जीवित होना कितना कीमती है। तो कल सुबह 2.5 लाख लोग रात में मर गए, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं, क्या है इसके लिए? कम से कम भरे मुस्कुराहट होना चाहिए और सभी लोग
आपके लिए मायने रखते हैं, वो सभी जीवित है। एक बड़ी मुस्कुराहट हो। इफ यू वॉन्ट टू बी वॉच दिस थिंग्स, दोस्तों जब आप जागे हैं, जागने के लिए अलार्म का उपयोग न करें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों में रखें। ढाई और करवट लेकर उठे, मुस्कुराते उठे। इफ यू वॉन्ट दिस वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइफ। नाउ टुडे आई एम द मास्टर ऑफ द फिजिकल्स। ये फिजिकल की ट्रेनिंग के साथ में मैं आपका दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आज आपको कुछ टिप दिया हूँ, उसका आप पालन करें। साथियों आप जरूर शरीर का पालन करें। भोजन करने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो दोस्तों हमें भोजन करने का तरीका के बारे में भी सोचना है। दोस्तों आइए स्वास्थ्य के बारे में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद कुलकर आपको आज बहुत सारे उपाय बताया हूं, जब आप जागे तो जागने के लिए अलार्म का उपयोग ना करें। जब आप जागे अपनी हथेलियां को आराम से रगड़कर अपने आंखों पर रखें। दाई और करवट लेकर उठे और मुस्कुराहट हंसने के साथ उठे, क्योंकि 2.5 लाख लोग इस दुनिया के मर गए हैं, चले गए हैं, कई आपके दोस्त भी हो, लेकिन आप जिंदे हैं तो हंसकर जियो दोस्तों। आइए दोस्तों निर्विचार यानी जीरो थॉट हेलो, जीरो थॉट बट मेडिटेशन करीब करीब मौत के जैसी अवस्था। हाउ टू बी अचीव जीरो थॉट स्टेट ऑफ माइंड। हर जीवन के जान लो, एक व्यक्ति जन्म लेता है, 80 साल जीता है करीबन, और दुख भरी जीवन में जीता है बिना अपना जीवन के जाने। क्या ये जिंदगी है? लेकिन कुछ लोगों ने इस तरीके से जीने के साफ इनकार कर दिया और परमार्थ रहस्य जानकर परमात्मा जैसी शक्ति को उपलब्ध हो गए और अपने जीवन के हर सुख दुख को विचारों से मुक्त हो गए। यही रहस्य आप जानेंगे इस जीरो स्टेट ऑफ माइंड पर, इस सीरीज में बिना विचारों से अवस्था। मैं आप वार्निंग देना चाहता हूँ इसके पहले, आप आगे बढ़ने के पहले, क्यों शायद ये
आपकी भावना को ठेस पहुंचा सकता है। अगर आप इस वीडियो की हर बात को समझ लिया है तो आपको आपके विचारों का मिट जाना तय है, आपकी बिलीव टूटने लगेंगे। फिर चाहे आपकी बिलीव भरोसा आपका किसी धर्म पर हो, आपका किसी धर्म गुरु पर हो या कि परमात्मा पर हो, वो बिलीव आपका टूटकर बिगड़ने लगेगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, जो सच्चाई में आपसे मैं कहने जा रहा हूँ वो जहर की तरफ कड़वी है, लेकिन आप इस सच्चाई को जान लिए तो आप किसी को ये नहीं पूछोगे, अपने आप से भी नहीं पूछोगे कि विचारों को कैसे रोका जा सकता है, ये बिना विचारों की अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकती है, थॉटलेस कैसे हो सकता है। अगर आप फिर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सीरीज की। मैं आपको बताना चाहता हूँ जीरा टेस्ट पर माइंड पर, जो ध्यान मेडिटेशन की सबसे गहरी अवस्था है, जहाँ पर सब कुछ मिट जाता है, आपका अपनापन आप भी मिट जाता है, कर्पण मौत के जैसी अवस्था आ जाती है। आप मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, चलो मैं आपको असली बातें बताना चाहता हूँ। मेरी उन सभी मेडिटेशन से पावरफुल मेडिटेशन आज को मैं तैयार कर सकूं कि आप आगे की एडवांस चीख को समझ सके। ठीक उसी तरह जो एक बच्चे को ABCD पढ़ाई दी जाती है ताकि वो आगे चलकर एक लैंग्वेज बोल सके। चलो आज से एक नई यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको पहला बता दूं, चलो मैं आपको जो विचारों में बांधे रखता है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता, ध्यान की गहराई में उतरने नहीं देता, तो पहला विचारों का मायाजाल, रिविजन ऑफ थॉट, कल्पनाएं, ये कल्पनाएं आपके दिमाग को दल बनाते हैं और कैसे आपको बनाते रहेंगे। अगर आपने इसको नहीं समझा और विचार रहे तो दूसरा, आपको भ्रम में डाला गया है, परमात्मा का एक शब्द है, कोई आपके माना आपने जाना है, किसी अपने धार्मिक किताब से जान लिया है, ऐसी कोई चीज है आपका मान लेना परमात्मा है, ये एक भ्रम है। तीसरा, सुपर इंटेलिजेंट कैसे बने, सुपर इंटेलिजेंट हासिल करने के लिए अपने विचारों को सुख दुख से मुक्ति पाकर अपने दिमाग की एक ऐसी अवस्था करीब करीब मौत के जैसी है उस तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं, जहां पर आपका मिट जाना तय है। इस वीडियो को आगे किए ध्यान से समझ लीजिए, ये आपके ज़िंदगी में बहुत मदद करेगा। तो पहला हिस्सा, आइए दोस्तों मैं उन लोगों को बुलाना चाहता हूं जिनके आवाज़ से आप खुश हो जाओगे। हमारा ये दुर्भाग्य है कि ये चीज़ हमें ना तो स्कूल कॉलेजेस ना किसी धर्म स्थान पे सिखाई जाती है और ना ही घर में कोई सिखाता है, जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो एक इत्तेफाक ही हुआ कि आप इस वीडियो के जरिए ये जानने जा रहे हो, वरना आप अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत कर सकते थे। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ आइए समझाता हूँ, जिससे जानकर आपकी दुनिया हिल जाएगी। तो बात ये है, जिसे आप परमात्मा मानते आ रहे हो वह एक शब्दों का माया जाल है और एक बस एक शब्द है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसे आप परमात्मा मानते हो आपको बचपन से बहुत से लोगों ने बताया होगा, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा, वह बस एक धोखा है। मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पुराने समय में किसी धर्म गुरु ने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा जैसी शक्ति को पा लिया, ये सच्चाई है। ये सच्चाई सिर्फ उस धर्म गुरु के लिए है जिसका ये अनुभव है, के लिए ये सच्चाई नहीं है। उस धर्म गुरु ने परमात्मा को पाया और उस धर्म गुरु ने अपना अनुभव लोगों को बताया या उन पे कुछ किताबें लिख दी गई, तो वो जो धर्म गुरु का अनुभव है वो आपके लिए बस एक जानकारी है, एक थॉट है, एक शब्द है। किसी का अनुभव आपको अनुभव नहीं हो सकता। किसी के अनुभव, अगर कोई आपको अपना अनुभव बताएगा तो आपको अनुभव थोड़ी हो जाएगा।
आपको बस एक जानकारी मिलेगी। अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूँ कि परमात्मा को याद करो, तो वो क्या करेगा? अपनी आंखें बंद करेगा और प्रार्थना करेगा। प्रार्थना किससे करेगा? जो उसने जानकारी इकट्ठा कर रखी होगी, किताबों से, किसी से सुना होगा, वो उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लेगा, एक फीलिंग बना लेगा, और उस फीलिंग को, तस्वीर को भगवान मानकर प्रार्थना कर लेगा और खुश हो जाएगा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी है। लेकिन असल में ये एक धोखा है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको किसी से प्यार हो जाता है, आपको पता है कि वह प्यार है, आपका अनुभव है कि वह प्यार है। यही बात आप किसी दूसरे को बताते हो कि मुझे प्यार हो गया है। अब उस व्यक्ति के लिए वो बस एक जानकारी है, या उसे भी ये महसूस हो गया है कि वह प्यार है? आपको प्यार हुआ, आपने उस प्यार को महसूस किया, आपके दिल को महसूस हुआ वो प्यार, आप जानते हो। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे को बताते हो, उसके लिए वो बस एक जानकारी है कि आपको किसी से प्यार हुआ। उसे प्यार फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, उसे जब होगा तब होगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं आपको ये समझा कर ही दम लूंगा, आपकी जिंदगी से ये अंधेरा दूर करके ही रहूंगा, ताकि आपको कोई पागल ना बना सके, आपका कोई फायदा ना उठा सके, एटलीस्ट परमात्मा के नाम पे तो नहीं। एक और छोटी सी एग्जांपल, मैंने शहद खाया, मुझे पता चल गया कि शहद मीठा है, मैंने परमात्मा को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, नेमलेस है, जिसका कोई नाम नहीं है। मैंने आपको बताया शहद मीठा है, मैंने आपको बताया मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ है। आपके लिए वो बस एक जानकारी होगी। जब तक आप शहद को अपनी जुबान के साथ टच करके ये पता नहीं लगा लेते कि वो सच में मीठा है या नहीं है, या मैं बस एक झूठ बोल रहा हूँ। तो अगर कोई आपको कहता है कि परमात्मा जैसी कोई शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है, वो उसका अनुभव जरूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बस एक जानकारी है जब तक आपने उसे महसूस नहीं किया। ठीक उसी तरह पहले कुछ लोग आए, उन्हें परमात्मा का अनुभव हुआ, उन्होंने अपने दिमाग की एक ऐसी गहरी अवस्था को छुआ, उन्होंने बताया आपको, आपको बस एक जानकारी मिली, वह जानकारी परमात्मा नहीं है, वह जानकारी एक थॉट है, उस थॉट को ही किताबों में लिखा गया है। तो किताबों के जरिए, किसी दूसरे व्यक्ति के जरिए आप परमेश्वर को या ऐसी कोई अवस्था को छू भी नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि थॉट आखिर है क्या? देखिए, जो भी आप जानकारी इकट्ठा करते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो भी जानकारी आप इकट्ठा कर लेते हो, चाहे वो किताबों से हो या किसी से सुनकर, मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सुन रहे थे हमारी नजीक की पहचान के बातों को। तो मेरे साथियों, हर दिन फादर हाउस आपको नई नई बातें बताता है। विचार कहाँ से पैदा होते हैं? जो भी जानकारियाँ आप इकट्ठे करते हो, विचार उसी के बीच से पैदा होते हैं। चाहे वो जानकारी आप किसी से सुनी हो, किसी धर्मगुरु ने, किसी किताब से आपको ले ली हो, बस एक जानकारी है, और उसी जानकारी के साथ में एक थॉट आएगा। थॉट की एक सीमा है, एक बहुत बाउंड्री है, एक लिमिट है, वो उसके इस लिमिट के आगे कुछ नहीं है, उसकी औकात नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने आर्ट आर्ट के जरिए पढ़ाई की है, आपकी सीमा क्या होगी? आर्ट के कुछ कर सकते हो, आप मेडिकल कोई जानकारी नहीं कर सकते हो, आप किसी बीमारी की ठीक नहीं कर सकते, तो आपकी जानकारी आपके थॉट की सीमा है। और कोई जानकारी होती है तो आपका दिमाग एक सीमा के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही, एक बड़ी गुब्बारे के अंदर कैद हो जाता है। उसी तरह आपको कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि आप कुछ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, और कोई भी चीज़ें हो, तो परमात्मा है, एक बहस है, जानकारी है, जो आपके दिमाग के बाउंड्री खड़ी कर देता है, आप उसी के बीच में सो सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ इसकी सीमा कैसे है। आपने परमात्मा के बारे में जानकारी इकट्ठी की है, आपने ये कर लिया, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या बौद्ध हूँ,
अचानक एक दुर्घटना हुई है, सर में चोट लग जाती है और आपकी याददाश्त चली जाती है, सब इकट्ठा किकरी नॉलेज एक किकरी नॉलेज पानी में चली जाती है, लेकिन आप उस जानकारी को परमात्मा समझोगे। आपकी याददाश्त चलेगी, आपको याद कैसे आएगा? एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी याददाश्त कमजोर होती जाती है और बूढ़े होने का बहुत सी कठिनाई आती है, दिमाग थोड़ा बहुत काम करना बंद कर देता है, तो क्या परमात्मा इस छोटी सी अवकात है वो आपके विचारों में कैद हो सके? तो जैसे मैंने कहा, जब आपको कोई विचार आता है या जानकारी आती है तो आप परमात्मा बोल लेते हो, एक बाउंड्री के अंदर में, बड़ी गुब्बारे के अंदर में सोच रखते हो। परमात्मा ऐसी शक्ति है जो आपके विचारों से, आपकी जानकारी से, आपकी हर एक सीमा से परिज है। तो आप कैसे सीमा को ढूंढ रहे हो? एक जानकारी बुक के दम पर या किसी हुई कही हुई बातों पर परमात्मा को, शक्ति को छू सकते हो बिना अपने विचारों के मिटाए हुए, क्योंकि विचार एक सीमा है, आपको बांध लेती है। इस सीमित से बांधा हुआ दिमाग एक कैसा असीम शक्ति को जान सकता है? क्या गौतम बुद्ध ने किसी गुरु को फॉलो किया था या किसी किताब पढ़कर परमात्मा को हासिल किया था? हाँ, जब तक गुरु को फॉलो किया था तब जाना नहीं था, जब सब कुछ त्याग दिया तब उन्होंने परम रहस्य को जाना, तब उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, एक ऐसी अवस्था को हासिल कर लिया जो निर्विचार है, जहाँ पर ना कोई सुख है ना दुख है, ना कोई विचार है, सिर्फ परमहंत है। हर कोई परमात्मा को जान सकता है, पा सकता है अपनी इसी जीवन में, लेकिन आपको जीवन में सही रास्ता नहीं दिखाया। तो अगर आप अपने दिमाग की इस माया जाल से निकलना है तो ऐसी दुनिया को जानना है जो आपके विचार हैं, नॉलेज है, उसकी सीमा को तोड़ना है, आपके विचारों को मिट जाना ही एक रास्ता है ऐसी अवस्था को पाने का। और इस मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको कहूँ, अगर आप चाहते हो तो आपको हर दिन नए नए दिमाग की जानकारी अवस्था तक पहुँचा आपकी मदद करूँ, मैं वो हरदम आपको बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, और मेरी हर बात सुने, दिल से सुने, तो मेरे साथी हो, मैं और रहस्यमय जानकारियाँ आपको जो आप तक नहीं पहुँच पाई हैं मैं देने दूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये बताने के लिए नहीं बनाता, मैं सचमुच आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ और इससे ज़िंदगी बहुत आगा बेहतर बन जाती है और आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। और मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ वो ये हैं, अब आप व्यक्ति के साथ हैं, जो व्यक्ति रात को सोने जा रहा है वो रात आपको जागकर, वो व्यक्ति सोएगा लेकिन आपको वो रात जागकर बितानी है। जब सुबह हो जाएगी और उस व्यक्ति को आप पूछोगे तो पता चला, तो व्यक्ति यही बोलेगा, मैं तो रात को सोया था और मेरी आँख सुबह खुली, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपने रात कैसी बिताई तो आप बताओगे, ये रात मैं 8 घंटे ऐसा लग रहा था कि वो 1 साल की तरह है। तो सोचिए, नींद करीबन एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर विचार नहीं होते, और जहाँ पर विचार नहीं है आप समय की सीमा के परे चल जाते हैं। नींद एक रहस्य है जो नहीं जान सके, हम नहीं पहचान सके। आप लोग बहुत बिजी हैं ये दुखों में, इन दुखों के लिए पाने के लिए नींद पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, एक ऐसी बात है मेरे साथियों, आज की मैं आपको ध्यान को गहराई को छूने को, ध्यान को गहराई से उतारने के लिए जो बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचती, जिससे ज्ञान में और बहुत सारी उतरा जा सकता है, अल्पाचेत में जाना सकता है, उसके ऊपर है। आपके जीवन में हर रोज आपके शरीर के साथ एक घटना घटित होती है जिससे आप बिल्कुल अनजान हो,
क्योंकि आप अपने दुखों में, विचारों में, कल्पनाओं में इतने बिजी हैं कि आप उसे देख ही नहीं सके। परमात्मा के बाद यही एक रहस्य है जिसे मानव जाति पूरी तरह नहीं जान सकी, सिवाय कुछ लोगों के। अगर आप अपने जीवन में इस रहस्यमय घटना को जान गए जो आपके जीवन में हर रोज घटित होती है, तो आपके जीवन से आधे से ज्यादा दुख परेशानियां यूं ही विदा हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपने जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य को जान लिया तो आपका ये जो उलझा हुआ जीवन है ये आपके कंट्रोल में आ सकता है। आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन होने लगेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगेगा। फिर इस इकट्ठा हुई ऊर्जा से आप जो भी करोगे तब भी वह ऊर्जा कम नहीं होगी। सबसे जरूरी बात, आप इस ऊर्जा को ध्यान की गहराई में जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पूरा दिन जी तोड़ मेहनत करना, फिर उस मेहनत से कुछ भी हासिल ना करना, बार बार जीवन में मुश्किलों का आते रहना और आपका उस मुश्किल समय में हार मान लेना, सिर्फ एक छोटे से सुसाइडल थॉट की इतनी औकात हो जाना और व्यक्ति का उस छोटे से थॉट की वजह से सुसाइड कर लेना। लेकिन आज की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो, अगर आपकी अंतिम सांसें भी चल रही होंगी तब भी आपके काम आएगा। एक ऐसा रहस्य जिसे कुछ लोग जान गए थे और उनका जीवन अद्भुत हो गया था। अगर आपने भी ये रहस्य जान लिया तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, आप खुद ही परमेश्वर से कहने लगोगे कि ऐसी ही जिंदगी एक बार आपको और मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आओ दोस्तों, प्लीज। इस वीडियो के दो हिस्से होंगे। पहला, मैं आपको नींद का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, आप सोचोगे कि काश ये पहले कोई बता देता। दूसरा, इस रहस्य को जानने के बाद अपने जीवन में इस रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें कि आपका जीवन अलग ही लेवल को छूने लगे। पहला हिस्सा, नींद का रहस्य। नींद का रहस्य, हर रोज सोते हैं, बहुत बार सोते हैं, लेकिन नींद में जो ईश्वरीय घटना घटित होती है उसका हमें कुछ पता नहीं है। आप रोज सोते हो, क्या आपको पता है नींद कब आती है, कैसे आती है? हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हम 11 बजे तक सोए थे। नींद कब आई, किस पल नींद का अंधेरा आपके ऊपर छा गया, आपको उसका कोई पता नहीं। अगर एक व्यक्ति औसतन 80 साल जीता है तो तकरीबन 30 साल वह सोने में गुजारता है। इतनी बड़ी घटना जिसे 30 साल तक दोहराना पड़ता है, उसका आपको कोई पता नहीं। अमेरिका में एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर नींद के लिए किया गया, जिसके हैरानीजनक नतीजे निकले। कुछ लोग इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हुए, वह लैब के अंदर सोने के लिए लेटाए गए और उनके पूरे शरीर के ऊपर रिसेप्टर्स लगा दिए गए और उन रिसेप्टर्स को रीडिंग मशीन्स के साथ जोड़ा गया। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य नींद का रहस्य को जानने का था। ऐसा क्या है नींद में जो व्यक्ति नींद लेने के बाद तरोताजा हो जाता है? इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने पाया कि जब व्यक्ति सपने ले रहा होता है तब वह गहरी नींद में नहीं होता, क्योंकि मशीन रीडिंग्स बताती रहती है कि व्यक्ति अभी गहरी नींद के अंदर नहीं है, क्योंकि वह अभी सपना देख रहा है। तो उस सपने लेने की कुछ रीडिंग्स मशीन पे दिखाई देती रहती है। वैज्ञानिकों ने पाया पूरी रात में एक ऐसा पल आता है जब सपने पूरी तरह खो जाते हैं और व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन तब वैज्ञानिक बहुत हैरान हुए, जब तक व्यक्ति सपने ले रहा था तब तक मशीन ये बता पाती थी कि व्यक्ति अभी गहरी नींद में नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति गहरी नींद में जाता है तो मशीन रीडिंग दिखाना बंद कर देती है। व्यक्ति कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता। व्यक्ति एक ऐसी जगह चले जाता है जहां तक कोई भी मशीन नहीं पहुंच सकती। इसलिए साइंस कहती है परमात्मा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा रहस्य है वह नींद है। अब आपके पास ये रहस्यमय इंफॉर्मेशन तो है, अब इसका क्या करना है मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसे ध्यान से समझिएगा। आप
इस रहस्य से, इस जानकारी से बहुत से फायदे उठा सकते हैं। आप शायद ये जानते होंगे, जब व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी होती है तो वह जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसमें नींद की गोलियां जरूर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर बखूबी जानते हैं असल में व्यक्ति को दवाई ठीक नहीं करती, नींद में कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम है। दवाई एक बहाना हो जाती है, लेकिन असल में अगर सही अर्थों में अगर कोई व्यक्ति को ठीक करता है, वो व्यक्ति का नींद में जाना ही ठीक करता है। नींद में कुछ ऐसा है जो थोड़े समय के लिए व्यक्ति को परमात्मा जैसी ताकत के साथ जोड़ देता है अनजाने में, जिसका व्यक्ति को कोई पता नहीं। अब आता है वीडियो का दूसरा हिस्सा, जिसमें मैं आपको एक और भी बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से मुझे और इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं और भी ऐसी बहुत सी जानकारियाँ आपके आगे जरूर रखूंगा जो आम लोगों तक पहुँच नहीं पाती। अब आता है वीडियो का दूसरा हिस्सा। हम पूरा दिन काम करते हैं, शाम होते होते थक जाते हैं, जैसे ही रात को सोने जाते हैं और नींद में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी सारी थकान मिट जाती है और हमारी नींद आने वाले दिन को फेस करने के लिए हमें फिर से काबिल बना देती है। लेकिन ये तो हमारी जिंदगी में हर रोज चल रहा है, लेकिन इसका हमें कोई फायदा नहीं होता। जरूर हमें कुछ इसमें बदलाव करने की जरूरत है, जिससे आज जो हम कर रहे हैं हम